dear student, how are you? In this lecture, I am going to discuss about influencing factor for the rate of reaction. Because in my previous lecture, I have discussed about rate of reaction. And in this lecture, about the influencing factor to the rate of reaction. एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करना है. मेरे वीडियो लेक्चर अदर के वीडियो लेक्चर से डिफरेंट है. यदि वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की अलग से जरूरत पड़े, देन इट इज पेनफुल. अतः जब मैं एक्सप्लेन करेंगे तो थरोली समझिए, लेकिन जो तुम्हें पर्टिकुलर नोट्स में लिखना है वो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि नाउ नोट डाउन माई दिस स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान रखें. राइट, देन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच यूज टू अल्टर टू द रेट ऑफ रिएक्शन आर कंसिडर टू बी द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो घटा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. क्लियर? तो यदि जब आप हेडिंग डालेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, और आप इसमें नोट लिखना है, तो स्टेटमेंट क्या लिखना है नोट डाउन, नोट करिए. दोज फैक्टर्स विच यूज्ड टू अल्टर टू द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. क्लियर? ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब आप समझिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल एज, नंबर वन, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. पहले इसको समझें. एज आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट वेलोसिटी रिएक्शन एंड स्लो वेलोसिटी रिएक्शन. और दोनों बारे में डिटेल डिस्कस कर चुका हूं मैं इन माय प्रीवियस लेक्चर. ओके, तो इसमें डिटेल आपको नोट करना है. व्हाट डू मीन विद नेचर, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था, इफ द रिएक्टेंट्स आर आयनिक कंपाउंड्स देन द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी हाई, एंड इफ द रिएक्टेंट्स आर कोवेलेंट कंपाउंड देन द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी स्लो. अब इस पॉइंट में आपको नोट्स बनाना है, समझ में भी आना है और नोट्स भी बनाना है. तो आप लिखिए, दोज रिएक्टेंट्स विच आर आयनिक कंपाउंड्स, यूज टू इंक्रीज टू द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इफ इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ द रिएक्टेंट्स आर कोवेलेंट कंपाउंड देन द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी स्लो. केवल आपको इतना लिख लेना है नोट्स में. बेसिकली वी हैव टू राइट ओनली द थिंग्स
वंस आई अगेन रिपीट, जिसको आपको लिखना है कॉपी में। समझा तो मैंने पहले दिया था प्रीवियस लेक्चर में और अभी भी समझ लिया। अब इसको नोट्स कैसे बनाना, अंडर द पॉइंट इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसमें आप लिखिए राइट, स्टार्ट राइटिंग। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर रेट ऑफ रिएक्शन एंड दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, इतना पॉइंट हमें लिखना है अंडर द इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड नाउ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर एग्जाम्पल और यू हैव टू नोट डाउन इट। फॉर एग्जाम्पल एज NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3 in aqueous. This is the PPT. This one is the example of fast velocity reaction. Okay, अब ये एग्जाम्पल नोट करना है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब तो हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, बट एग्जाम्पल में आप कितना नोट करना है एंड व्हाई, ये मैं समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं आपको। व्हाई इट इज अ फास्ट वेलोसिटी रिएक्शन, बिकॉज हियर द रिएक्टेंट्स आर आयनिक कंपाउंड, दीज आर आयनिक कंपाउंड राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल for the slow velocity reaction is H2 plus Cl2 gives out twice as Cl, H2 Cl2 twice as Cl and you know आपको example कितना note करना है, इसको explain करने के लिए external phone है, that's why you know वीडियो लेक्चर इज मोस्ट कंपल्सरी, ये आपके लिए नेक्टर है, इसको कमांडिंग के लिए आपको इतना लिखना, वो तो समझा रहे, वो तो थोड़ी लिखना, यू हैव टू राइट डाउन ओनली टू दिस वन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लो वेलोसिटी रिएक्शन एंड व्हाई, बिकॉज हियर दिस मींस रिएक्टेंट्स आर covalent compounds. Okay, this is the example. और रीजन मैं बीबीएस लेक्चर बता चुका हूं, व्हाई इट इज अ स्लो वेलोसिटी रिएक्शन और व्हाई इट इज अ फास्ट वेलोसिटी रिएक्शन। तो आपको कॉपी में इतना लिखना है और मैं एक बार फिर बताते रहूं, व्हाई इट इज सेड टू बी द फास्ट स्लो वेलोसिटी रिएक्शन, बिकॉज दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड, इट विल टेक मोर टाइम फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन and these are the ionic compound, these are already present in ionic state, that's why it is too easy to form this compound. Clear? So this is first point, effect of nature of reactant. I hope everybody come to know. Now you have to write second idea. And under the second point, concentration of reactants concentration of reactants okay, ये हेडिंग आप पहले समझिए, फिर मैं जितना बताता हूं उतना आपको लिखना है। यू नो थ्रू योर प्रीवियस क्लास इन 11th क्लास देयर इज अ चैप्टर इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन दैट चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट रेट लॉ एंड व्हाट इज द रेट लॉ, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट मींस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू डिक्रीज. देन व्हाट यू नो अंडर दिस पॉइंट राइट द हेडिंग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या होगा क्या लिखेंगे. सिंस वी नो दैट फॉर एनी रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज द रिलेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज ओके एंड ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू डिक्रीज. अल्टीमेटली आफ्टर राइटिंग दिस हेडिंग यू हैव टू राइट दिस रिलेशन ओके एंड देन आफ्टर राइटिंग टू दिस यू हैव टू राइट क्या लिखेंगे नोट डाउन. हेंस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू डिक्रीज. क्लियर एंड दिस कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिएक्टेंट देयर नो मींस ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर एंड नाउ अंडर द थर्ड पॉइंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड यू हैव टू राइट द हेडिंग दिस टाइम. आप इसको समझिए समझना बहुत जरूरी है बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आइदर एनसीईआरटी बुक्स और ऑल द रेफरेंसेस बुक्स बट इट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग्स द पैटर्न द मेथड व्हिच फील मोर इजी टू यू टू ग्रेस्प ऑल द थिंग्स. अगर इसको समझना मेथड को समझना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. अब देखिए मैं समझा रहा हूं इस समय आपको लिखना नहीं है बट डू यू नो अबाउट द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आर दोस ये लिखना नहीं केवल समझना है. कैटलिस्ट आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज टू द रेट ऑफ रिएक्शन Without taking part in any chemical reactions are called catalyst. यानी वो substance जो अपनी presence से ही rate of reaction को चेंज कर देते हैं but reaction में participate नहीं करते. तो इसको सिंपल में catalyst किसी reaction से कहता है तेरे पास मैं आया हूं कुछ करके जाऊंगा तुझे घटा के जाऊंगा या बढ़ा के जाऊंगा तभी catalyst कहना. समझ गए ना. इट मींस अब इसमें लिखना क्या है यू हैव टू राइट द हेडिंग. अब समझ में आपके आ गया. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग टू ग्रास्प बाय यू. क्लियर एंड नाउ इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट. तो आपको सुटेबल पॉइंट बिकॉज यू नो नोट्स बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और नोट्स आदि बहुत इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए. तो अंडर दिस पॉइंट यू हैव टू राइट The presence of, note down, the presence of any catalyst in any chemical reaction used to change to the rate of reaction. Note down. Next, the positive catalyst used to increase to the rate of reaction and negative catalyst used to decrease to the rate of reaction. Okay? It is enough. आपने note down कर लिया. Now see one example. For example, as N2 plus thrice H2 gives out twice NH3
and this is the Fe. Gas, G stand for gas, gas. This reaction is used for the formation of ammonia by the Haber process. And in this reaction, Fe used to work as a positive catalyst. To explain technically, we are using a lot of words, but you have to write example only this one. The presence of iron used to increase to the formation of MS3. Clear? This is the third one. Now, under the fourth one. Fourth point is, fourth influencing factor, effect of temperature. Very important point. After writing this heading, now, listen to me. मैं इसको explain करने के लिए we are using different terminology. ये सिर्फ आपको समझना है अभी, लिखना नहीं है. You know, effect of temperature. Generally, it is noticed that on increasing temperature, the rate of any chemical reaction used to increase. And on decreasing temperature, rate of reaction used to decrease. ये explain किया जाता है. Okay? और ये generally बताया गया कि temperature is directly proportional to the rate of reaction. क्लियर? इस टॉपिक के अंदर मैं दो पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहता हूं और जिस पॉइंट को मैं इंडिकेट करूं वो आपको फिर नोट्स में लिखना है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो जनरली दिस इज द स्टेटमेंट दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू डिक्रीज. क्लियर? हेंस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. हेंस जनरली यू कैन एक्सप्लेन दैट रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. इसको समझिए बहुत अच्छी तरह से. यदि वीडियो लेक्चर में आप कंसंट्रेट है तो बिल्कुल बेस्ट कमांडिंग होगी. मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, वो लिखना नहीं केवल समझना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, यू हैव टू राइट इन योर फियर कॉपी. व्हाट? फर्स्ट कंडीशन फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये आपको कॉपी में नोट करना है. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये नहीं नोट करना, मेन चीज ये नोट करना है. बट वीडियो लेक्चर का मतलब यही होता है कि आपको एंडोथर्मिक भी तो याद हो. आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन. That chemical reaction which used to gain some amount of heat to perform the reaction, to form the product, is called endothermic reaction. And for such reaction, rate of reaction is directly proportional to temperature. It means, it is enough for you. But for the explanation, listen to me. लिखना नहीं लेकिन समझ लीजिए. All for all the endothermic reaction, rate of reaction is directly proportional to temperature. Means on increasing temperature, rate of reaction used to increase, and on decreasing temperature, rate of reaction used to decrease. But it is enough for you. आप ये language में लिखें. It is enough for you. And one thing, which is related to this. उसको पहले समझिए. मैं इशारा करता हूं कॉपी में नोट करिए. यू नो व्हाट इज दैट रिमार्क?
Under this point, one thing is temperature dependent reaction means reaction. This heading you have to write in your copy. Temperature dependent rate of reaction. Now listen. If this point is under this point, मैंने explain तो किया. On increasing temperature, the rate of reaction used to increase for all the endothermic reaction. But you know, practically, what is the practical analysis? कि कितना temperature बढ़ाने में rate of reaction कितनी बढ़ेगी? You know, it is also necessary. And to understand to this one, you know, focus to yourself under this point. ये heading आपको write करने के बाद in your copy और लिखना क्या है? अब इसमें जो लिखना है, पहले मैं समझाऊं. You know, if you will increase the temperature of any endothermic reaction by 10 degrees Celsius, then the rate of that chemical reaction become doubles. यानी किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली बढ़ाते हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बिकम्स डबल. क्लियर? समझ में आ गया होगा. नाउ नोट डाउन अंडर दिस पॉइंट. नोट डाउन फॉर ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शन. It has cleared through experiment. That on increasing temperature, by 10 degrees Celsius, the rate of related reactions become doubles. क्लियर? दिस इज नोन एज द टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन. अब उतना नोट कर लिया और मैं एक तो समझा रहा हूं. नोट इनफ हो गया, राइट? एंड बी पार्ट ऑफ दिस वन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यू हैव टू राइट द सेकेंड हेडिंग अंडर दिस पॉइंट. सेकेंड हेडिंग फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हेडिंग डालने के बाद लिसन टू मी, अब आपको समझना है, लिखना नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो माने खिसको, बाहर चलो. एंडो माने बंद करो विंडो, अंदर रहने दो. मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन यू नो ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट यूज टू रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन. सच रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये केवल समझना है अभी आपको. दिस होल थिंग यू हैव टू अंडरस्टूड. क्लियर? एंड अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन यू हैव टू स्टडी लॉट ऑफ इन योर प्रीवियस क्लास. एंड नाउ व्हाट थिंग्स यू हैव टू राइट नीचे लिखेंगे फॉर सच केमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस वन मीन्स फॉर सच केमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्लियर? नोट डाउन. आप समझिए, इस रिलेशन से आपको पता चल गया होगा क्या. अब आपको लिखना नहीं, समझना है केवल. इट इज इनफ फॉर योर राइटिंग पर्पस. फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू डिक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन यूज टू इंक्रीज.
क्लियर. दिस इज द रियल फैक्ट अंडर द इंफ्लुएंसिंग फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एंड नाउ आई एम प्रोवाइडिंग वाई एग्जाम्पल, पहले उसको समझिए एंड देन यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी. क्या ये दोनों आपके मन में भी आ रहा होगा कि टेल मी एनी वन एग्जाम्पल विच इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस वन इज रिलेटेड टू दिस. देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एग्जाम्पल. Now you have to write in your free copy. For example, for example, I am providing the example. CaO plus H2O gives out COH whole twice. This is a chemical reaction. And this is exothermic reaction. Means ये मैंने ये कॉपी में आपको नोट, यू हैव टू नोट डाउन दिस वन इन योर कॉपी, पियर कॉपी. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन ओरल, आप समझ लीजिए. नोट तो इतना कर लिया आपने, आप समझ गए होंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. यू नो ऑल फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, rate of reaction is inversely proportional to temperature. Means you know, if you will increase the temperature of this reaction, the rate of reaction is to decrease. And when decreasing temperature, rate of reaction is to increase. Because this is exothermic reaction. Lekin aapko likhna itna hai. Explain to main pehle kar chuka. And next reaction is as PbNO3. Used to decompose PbO plus NO2 plus O2. PbO solid, solid, gas, gas. And this is endothermic reaction. Means the decomposition of, and what is main formula? Lead nitrate PbNO3 whole twice. Because the valency of Pb is 2. PbNO3 whole twice. PbO plus NO2 plus O2. Ab isko aapko balance, you have to balance by yourself. All the reaction you have to balance by yourself in your peer copy. Clear? And this reaction is given. And it is endothermic reaction. It means, you know, for such chemical reaction, if you will increase the temperature, then the rate of reaction, if you will increase the temperature, the rate of reaction used to increase. And if you will decrease the temperature, rate of reaction used to decrease. तो मैं explain कर रहा था, example में इतना लिखना, exothermic या endothermic, you will guess already. Clear? That is very important point. And last one is, surface area of reactants. Surface area of reactants. What do you know about this? You know, if the reactants are solids, ये देखिए इतना मैंने लिख दिया, पहले समझिए फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या आपको लिखना है. पहले थारोली एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें. इफ द रिएक्टेंट्स आर सॉलिड, देन द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स. यानी किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. इसका मतलब इनकी सरफेस एरिया जिसकी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी हाई. देन यू नो आफ्टर राइटिंग दिस पॉइंट
एंड यू हैव टू राइट हियर फॉर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर सॉलिड्स देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. इट इज इनफ फॉर यू फेयर कॉपी विथ ना enough, right? And these are the influencing factor for the rate of reactions. Ultimately, आपको कितना 2 pages is enough? Maximum matter related to 2 pages. And I hope, क्योंकि हमें explain करना बहुत जरूरी है. Otherwise, PDF और अदर से note करना तो वही books हो गई ना. In brief, you have to note down these things, but try to grasp in hope. ओके, इस लेक्चर में थैंक यू.